इस मूवी में एक मसाज करने वाली औरत रोज नए लड़के के साथ दबाकर संभोग करती है। फिर एक बूढ़ा आदमी उस औरत और उसके लड़के को रहने के लिए घर देता है और उनकी बहुत हेल्प करता है। लड़के को समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा है। कहानी बहुत ही एक्साइटिंग और मजेदार है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मूवी के स्टार्ट होते ही हम फिन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने फादर की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। उसके फादर अब नहीं है, पहले वो आदिवासियों के साथ रहकर डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। इसके बाद फिन को कुछ आवाज सुनाई देती है, वो उसकी मॉम लेन थी जो हर दिन नए लड़के के साथ दबाकर संभोग करती थी। लेन मसाज थेरेपिस्ट होती है। लेन को ड्रग्स की लत थी और एक दिन उसे ड्रग्स नहीं मिलता तो वो पागल हो जाती है। फिन अपनी मॉम की हालत नहीं देख पाता और वो भागकर ड्रग्स खरीदने चला जाता है। तभी वहां पर रेड पड़ जाती है और फिन भी पकड़ा जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे छुड़ा लेती है। घर आकर वो उस ड्रग्स को फ्लश कर देती है। फिन को समझ नहीं आता आखिर उसकी मॉम को क्या हुआ है। एक्चुअल में लेन का एक ओल्ड फ्रेंड है जो अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसका नाम डैनी है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों को लेने के लिए आता है। वो बताता है आज से उसकी मॉम मिस्टर डैनी की फिजिकल मसाज थेरेपिस्ट होगी। फिन को समझ नहीं आता डैनी मेरी मॉम को अपने पास क्यों रखना चाहता है। हो सकता है उसे मेरी मॉम के साथ बूम बूम करना हो। यही सोचकर वो उनके साथ चला जाता है, जहां पर वो काफी बड़ा और सुंदर घर देखते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था डैनी इतना ज्यादा फेवर क्यों कर रहा है। इसके बाद वो जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ लिन डैनी से मिलती है। डैनी उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। और फिर फिन को जंगल में एक दिमाग से पैदल लड़का मिलता है जिसकी आदत होती है हर जगह पेंटिंग बनाने की, लेकिन उसकी पेंटिंग काफी एडवांस लेवल की होती है। इसके बाद हम बोरिस को देखते हैं जो डैनी का पोता होता है और वो अपनी लाइफ को लड़कियों के साथ खूब इंजॉय कर रहा होता है और रोज रात को उन लड़कियों के साथ बूम बूम करता है। इसके बाद हम डैनी की लड़की को देखते हैं और वो लेन को देखकर घूर रही होती है। तभी डैनी उसे बताता है ये डॉक्टर है और बॉडी थेरेपिस्ट भी। डैनी लेन को इतनी ज्यादा इज्जत दे रहा था, ये देखकर लेन को अच्छा लगता है। इसके बाद हम फिन को देखते हैं जिसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जेन होता है। वो फिन को अपने अनमोल रतन दिखाती है, लेकिन फिन का ध्यान अनमोल रतन छोड़कर घोड़े पर चला जाता है, जिससे जेन अपसेट होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है, जहां पर उन्हें डैनी का डॉक्टर मिलता है और वो लेन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर फिन को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद अपने डाउट क्लियर करने के लिए फिन को डैनी से मिलना था। फिर वो जंगल में जाता है जहां पर एक आदमी शिकार कर रहा होता है और वो फिन को वहां से जाने के लिए कहता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक हिरण मिलता है जिसकी तीर लगने से मौत हो चुकी थी। इसके बाद फिन का पैर ट्रैप में फंस जाता है, वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर माया नाम की लड़की आ जाती है जो डैनी की पोती होती है। ये ट्रैक उसने शिकारी के लिए बिछाया था जो जानवरों को मारता है। इसके बाद माया उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर माया उसे घर पर लाने के बाद अपने डैड से मिलवाती है। फिन उसके डैड को हेलो बोलता है, लेकिन माया कहती है वो हेलो नहीं करते, एक्चुअल में वो कोमा में है। फिन कहता है इमोशनल होने की बात नहीं है, मैंने तो अपने फादर को देखा भी नहीं। इसके बाद ये भावनाओं में बहकर किस कर लेते हैं। फिन घर आने के बाद माया के बारे में सोचता है और उसका औजार खड़ा हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वहां पर बोरिस और माया आ जाते हैं जो फिन के डैड की डॉक्यूमेंट्री देखकर काफी इंजॉय करते हैं। तभी माया लेन और फिन को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है। जब ये दोनों पार्टी में जाते हैं तब इतनी बड़ी पार्टी देखकर ये दोनों अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इसके बाद लेन के पास डॉक्टर आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिन भी दूसरे लोगों के साथ बात करने लगता है। तभी माया उसे देखकर उसके पास आती है और सबके सामने उसे किस करने लगती है। पहले लेन डैनी के साथ डांस करती है, उसके बाद डॉक्टर के साथ। ये देखकर डैनी की सुलग जाती है। दूसरी तरफ फिन माया को लेकर जंगल में आ जाता है। वो संभोग प्रोसेस को स्टार्ट करने ही वाले थे तभी वहां पर पुलिस आकर उन्हें घर जाने के लिए कहती है। इसके बाद फिन को हम डैनी के सामने देखते हैं और वो डैनी से पूछता है आप हम दोनों पर इतना फेवर क्यों कर रहे हो, आप मेरी मॉम के साथ टपाटप करते हो। तब डैनी कहता है अपनी जबान को लगाम दो, तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन फिन को यकीन नहीं होता। तभी डैनी अपनी पैंट खोलकर उसे दिखाता है। ये नजारा देखकर फिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो डैनी से पूछता है तुम्हारे पास बैट है लेकिन बॉल कहाँ है। तब फिन उसे बताता है मुझे इसी एरिया में कैंसर है, उसे स्लो करने के लिए मेरी बॉलें निकाल दी गई हैं, अब मैं वूम वूम नहीं कर सकता। फिन को भी समझ में आ जाता है मेरी मॉम के साथ डैनी का कोई गलत रिलेशन नहीं है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। तब डैनी उसे बताता है इटली में मैं सुसाइड करने वाला था, तभी तुम्हारी मॉम ने मेरी जान बचाई और मेरे लिए वो एक एंजल की तरह है। इसके बाद हम बोरिस को देखते हैं जो फिन से कहता है फ्यूचर में तुम मेरी बहन के हस्बैंड होगे और हम अच्छे दोस्त होंगे। इसके अगले सीन में लेन के पास वो डॉक्टर आता है। इस बार ये दोनों दबाकर संभोग करते हैं और दूसरी तरफ फिन माया के पास जाता है। जब ये दोनों अपना काम स्टार्ट करते हैं तभी कोई उनके विंडो पर पत्थर मारकर वहां से भाग जाता है और इनका काम रुक जाता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर लेन को बताता है फिन यहां पर ड्रग्स लेने लगा है और
लेन को फिन की जैकेट से वो पाउडर भी मिल जाता है। फिन के समझाने पर भी लेन नहीं समझती और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद फिन पूरे घर का काम करता है और डैनी की गाड़ी रोककर उससे जॉब की बात करता है। डैनी उसे जॉब पर रख लेता है और अपने काम के बारे में उसे समझाता है। कुछ टाइम के बाद इन दोनों की काफी अच्छी बनने लगती है। फिर डैनी उसके साथ हॉट एयर बैलून में जाता है, जबकि डैनी हर बार बोरिस के साथ जाता था। जब बोरिस ये सब देखता है तब उसे थोड़ा बुरा लगता है, फिन उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बोरिस कहता है कोई बात नहीं तुम चले जाओ। अगले सीन में फिन हमेशा की तरह माया से मिलने के लिए जा रहा था, तभी उसे कोई रास्ते में पकड़कर बहुत मारता है। तभी फिन को वहां पर एक लाइटर दिख जाता है। इसके बाद जब फिन घर पर आता है तब उसकी मॉम उसके घाव देखकर चौंक जाती है। इसके बाद डैनी पुलिस वाले से कहता है फिन की यह हालत किसने की तुम पता करो। तभी वहां पर माया और बोरिस फिन से मिलने के लिए आते हैं और माया कहती है मेरे डैड के ऊपर भी किसी ने इसी तरीके से हमला किया था। बोरिस फिन को एक गन देता है लेकिन गुस्से में फिन उसकी सारी गोलियां खत्म कर देता है। इसके बाद हम जेन को देखते हैं। जेन काफी गरीब होती है और वो सिर्फ 17 साल की होती है। फिन उसे कुछ पैसे देता है, जेन उसे हग करती है। फिर ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और जेन उसे अपनी गुफा का रास्ता दिखाती है। फिन ये देखकर उस गुफा में अपने औजार को डाल देता है। तभी वहां पर माया आ जाती है और फिन जेन को नहीं छुपा पाता। माया ये देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो पेंटिंग बनाता है। इस बार उसने पेंटिंग बनाई थी जैसे फिन पर कोई हमला कर रहा हो। लेन ये देखकर समझ जाती है और उस लड़के से पूछती है। फिर वो लड़का बोरिस का नाम लेता है और डैनी के पास जाकर उसे बताती है फिन पर हमला तुम्हारे पोते ने किया है। डैनी लेन से कहता है इस बात का किसी के सामने जिक्र मत करना, मैं उसे समझा लूंगा। अगर तुमने ये सब किसी को बता दिया तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। फिर डैनी बोरिस से बात करता है और वो कहता है हम दोनों को पता है तुम्हारे डैड कोमा में किसकी वजह से हैं। कहीं ना कहीं कोमा की वजह बोरिस ही था। डैनी पूछता है तुमने फिन को क्यों मारा। तब बोरिस कहता है आप हर साल हॉट एयर बैलून में मेरे साथ जाते थे लेकिन इस बार आपने मेरी जगह उसको दी। मैं आपका पोता हूँ वो नहीं। तब डैनी कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और वो बोरिस को वहां से निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन बोरिस का सच में दिमाग खराब हो जाता है और वो तकिया लेकर डैनी के मुंह पर लगाकर उसे मार देता है और चिल्लाते हुए बाहर भागता है। ग्रैंडपा नहीं उठ रहे हैं जबकि उठाने वाला बोरिस ही था। डैनी की मौत से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब लेन और फिन को ये बात पता चलती है तब वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद फिन माया से आकर बात करता है और उसे सॉरी बोलता है। इसके अगले सीन में बोरिस फिन के साथ होता है और फिन बोरिस का वो लेटर देख लेता है और वो समझ जाता है उस रात उसे मारने वाला बोरिस ही था। इसके बाद वो भागकर अपनी गन निकालने के लिए आता है। तभी वहां पर बोरिस आ जाता है और उसे कहता है मुझे मार कर दिखाओ। जब वो गन चलाता है तो उसमें गोलियां ही नहीं थी क्योंकि फिन पहले ही गुस्से में सारी गोलियां बर्बाद कर चुका था। इसके बाद फिन वहां से भागने लगता है और बोरिस कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा और बाद में तुम्हारी मॉम को भी। इसके बाद फिन डंडा उठाकर उसके सर पर मारता है लेकिन बोरिस बच जाता है। तभी उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है और अब फिन के पास पूरा मौका था बोरिस को मारने का लेकिन वो उसे नहीं मारता। तभी बोरिस को पुलिस पकड़कर ले जाती है और फिन अपनी मॉम के साथ यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद वहां पर माया आती है और फिन से कहती है मैं स्कॉटलैंड जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। फिर वो अपने भाई की गलतियों की माफी मांगती है। माया के जाने के बाद ये दोनों भी चले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।